सिद्धार्थ इज ऑल्सो माई फ्रेंड, उसने भी बहुत हार्डवर्क किया यार। वो भी भाई मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है जो बहुत नीचे से ऊपर आया है। मैंने उसका स्ट्रगल देखा है, हिंदुस्तानी भाव, जैसे उसने कहा वो प्लेटें भी धोता था, और मैं जानता हूँ उसको, बॉम्बे का छोकरा हुई, उसने भी बहुत मेहनत की। वीडियो बना के गाली देने से कुछ नहीं होता। अब तू सही काम कर रहा है हिंदुस्तानी भाव, अब जो तू कर रहा है ना बिग बॉस प्लेटफॉर्म पे एंटरटेन कर रहा है, ये है हिंदुस्तानी भाव, कि ये हिंदुस्तानी भाव लोगों को एंटरटेन कर रहा है। तेरे को पता है तेरे सबसे ज्यादा फैन पाकिस्तानी बने हुए, तूने जितनी गालियां उनको दी है उसके बावजूद दे आर लाइकिंग यू। एंटरटेनिंग है, इट्स नॉट सो बैड, मतलब पिछली 2-3 सीजन से तो ठीक है, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है एजस, इट्स ऑलवेज गुड टू मीट यू, इट्स ऑलवेज गुड टू इंटरेक्ट विथ यू। तो इस बार बिग बॉस था तो वी थॉट वी हैव टू मीट यू, और आपसे बात तो करनी बनती ही है बिग बॉस के बारे में, बिकॉज बहुत सारे इंटरेस्टिंग ओपिनियंस मिलते हैं आपसे, टू बी वेरी फ्रैंक। इस बार के बिग बॉस सीजन को लेकर आपका क्या ख्याल है? एंटरटेनिंग है, इट्स नॉट सो बैड, मतलब पिछली 2-3 सीजन से तो ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है, और एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला मुझे ठीक लगता है, और हिंदुस्तानी भाव ठीक है वाइल्ड कार्ड एंट्री में, वो लड़की शहनाज मुझे ठीक लग रही है, एक और लड़का है कश्मीरी, वो ठीक है अगर वो अपना गुड साइड दिखाने की कोशिश करे, बिकॉज ही इज सो यंग, सो ही इज लॉस्ट हिज, कि मैं एग्रेशन दिखाऊंगा ये दिखाऊंगा तो मैं दिखूंगा, पर लड़कियां तुझे ऐसे ही लाइक करेगी यार, यू आर अ क्यूट बॉय, यू नो, लाइक शो योर क्यूट साइड, योर गुड साइड। क्या हम हमारे घर में रहते तो इस तरह थोड़ी ना रहते 24 घंटा गुस्से में, या फिर सबसे पहले तो घर वालों को अपना समझना बहुत ज़रूरी है, कि अगर तुम किसी घर में गए हो तो सबसे पहले बिग बॉस को अपना समझो, उसके बाद होस्ट को अपना समझो, और उसके बाद घर वालों को अपना समझो। जानने की कोशिश तो करो कि अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो कि तुम्हें एक अनजान जगह पे अनजान लोगों के साथ अगर बंद कर दिया जाए, तुम्हारे फ़ोन ले लिए जाए, तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा कनेक्शन, तुम्हारी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी जाए, और उसके बाद तुम्हें रोज जज किया जाए, उसके बाद तुम क्या करोगे? ओके, तो अपने आपके टाइम से और ये सीजन, आपको लगता है ये सीजन क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड में है, लोग ऐसे यू नो स्टेट ऑफ माइंड से ही आए थे कि जाके सिर्फ झगड़ा करना है और खुद को दिखाना है, बिकॉज यू नो हमने आपके सीजंस देखे हैं, वो एंटरटेनमेंट वैल्यू थी उसमें। अब इसमें आपको लगा आज तक सलमान भाई ने किसी को एंटरटेनमेंट की खान नहीं कहा है, और पता नहीं लोगों के फैंस मुझ पर इतना जल क्यों जाते हैं जब मैं ऐसी कोई बात करता हूँ तो बोले अरे तुम अपनी तारीफ कर रहे हो। मैंने कभी किसी लड़की से, आपने मेरा शो देखा, मैंने कभी किसी लड़की से झगड़ा किया? एक लड़की बता दो जिसको मैंने ऊंचे आवाज से भी बात की हो। हालांकि लड़कियों ने मुझे यहां तक भी कह दिया कि तू मर्द नहीं है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं मर्दानगी सिर्फ मर्दों को दिखा सकता हूं, मैं औरत के सामने मर्दानगी दिखा के क्या करूं? औरतें होती है प्यार करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दो, वो ऐसे ही परेशान है, मतलब तुम एक लड़की से क्या। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर फिनाले में अगर दो लड़कियां और मैं हार गया तो मैं लड़की से हारा हूँ, मुझे खुशी है, आई एम हैप्पी कि गौहर जीती और तनीषा सेकेंड आई, कोई बात नहीं। मैंने सारे मर्दों को तो हरा दिया, जितने भी मर्द थे घर के अंदर वो सबको हरा दिया, चाहे वो हिंदुस्तान के पहलवान संग्राम सिंह हो, चाहे वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर के बेटे अरमान कोहली हो, चाहे वो टीवी हार्ट थ्रोप बोलने वाले कुशाल टंडन हो, सब बाहर थे, मैं अंदर था। ओके, हिमांशी और शहनाज गिल जो एंट्री हुई है वाइल्ड कार्ड एंट्री, उनके इश्यू को लेकर आपका क्या ख्याल है कि बाहर उनके जो इश्यूज थे वो घर में लेकर आए हैं वो दोनों ही? मतलब मैं उनसे ये कहूंगा कि ये तुम दोनों के हाथ में है, जैसे हिंदुस्तान भाव ने एक सही बात कही कि वो नहीं बताना चाह रही थी, तो शहनाज को वो बात नहीं बतानी चाहिए थी, है ना। हिंदुस्तानी भाव ठीक कह रहा था कि अगर वो नहीं बताना चाह रही तो तुमने बता के वो गलती किया कि तुमको, तो अब वो खुल गया, वो हिंदुस्तान के सामने आ रहा है, वो मीडिया तो लाएगी, और बिग बॉस तो एक ऐसा घर है कि उन्होंने तुमको भेजा इसलिए है, अभी वो तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारे पेशेंस को, तुम्हारे आत्मसम्मान को, तुम्हारी जो घर की तरबियत है उसको चेक करता है बिग बॉस, और वो दुनिया के सामने लाता है,
जो तुम दिखते हो वही तुम हो। तो लोग जो ये सोचते हैं कि वो नहीं दिखा या ये नहीं दिखा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब झूठ है। जो तुम हो वही तुम दिखते हो। एक और इंटरेस्टिंग, वैसे हर सीजन में लव स्टोरीज होती है, एक और इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल बन रहा है इन अ वे, रश्मि सिद्धार्थ शुक्ला और अरहान खान का, रूमर्ड बॉयफ्रेंड कह रहे हैं लोग उनको रश्मि के, उसे लेकर क्या, क्योंकि रश्मि और सिद्धार्थ के ऑलरेडी इश्यूज थे सीरियल। पता नहीं बिग बॉस रश्मि को वापस क्यों लाया और वो अरहान को घर में क्यों भेजे। आई मीन शो इज गोइंग गुड, एंटरटेनमेंट वॉज देयर, नाउ अब तुम मतलब व्हाट यू डूइंग बिग बॉस। समटाइम मुझे लगता है कि आपने लगा रखी है, थोड़ा पीना कम करो बिग बॉस, आजकल बहुत पी रहे हो लगता है। आई लव यू बिग बॉस, आई मिस यू, आई मिस योर टॉक, आई मिस द हाउस, बेस्ट मेमोरी ऑफ माई लाइफ वेयर आई हैव मेट माई सेल्फ एक्चुअली, वेन इट्स लाइक अ रिहाब, यू नो, यू वॉन्ट टू चेंज, यू वॉन्ट टू गो मोर नेगेटिव, यू वॉन्ट टू नॉट फॉरगिव एनीबडी, यू वॉन्ट टू कीप इन योर हार्ट what you want to do, it's up to you and your heart, you know. So I decided when I came to know, I was very aggressive, I'm still aggressive guy, but when I was there first 2-3 days I was like kya karu, pagal ho jata hai aadmi ke ekdam se phone nahi hai, kuch nahi hai, tumhe tum agar tum koi khana tumhe pasand hai wo nahi hota, sab kuch band ho jata hai, suddenly tum jaate to ho, acha har aadmi khud apni marzi se big boss mein jata hai, उसके बाद मैं भी वो पागल अंदर तो गया अपनी मर्जी से, उसके बाद मुझे बोला अरे मुझे बाहर ले लो यार, मैं पागल हो गया 2-3 दिन, मुझे ऐसा लग रहा है सब जज करेंगे, पता नहीं क्या होगा, क्या दिख रहा होगा, क्या नहीं होगा। बट देन आई डिसाइडेड दैट इजाज, अगर तुम एक्टर हो और 105 कैमरा तुम्हारे 24 घंटे शॉट ले रहे हो सोने से लेके उठने तक, तो तुम क्या करोगे। तो आई डिसाइडेड कि मैं इतना लोगों को एंटरटेन करूं, इतना करूं कि उस मार्क को वहां पहुंचा दूं। लड़की बन गया मैं, जोकर बन गया मैं, बच्चा बन गया मैं, रोमियो चोर बन गया, मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को हंसाया है और रुलाया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बिग बॉस खुद कह रहे हैं, अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको बता भी सकता हूं कि बिग बॉस क्या कह रहे हैं एजाज खान को, आप सुनिए। और सलमान भाई हमेशा रोज आते थे, ये जो मेरा भाई है इज वेरी एंटरटेनिंग, इज वेरी टैलेंटेड, इज डूइंग गुड, व्हाई, बिकॉज आई वाज नॉट कीपिंग एनीथिंग इन माय हार्ट। और कोई लड़की क्या, लड़की एक्चुअली थोड़ी सी घर के अंदर थोड़ी वो हो जाती है उन लोग, तो उनको अगर वो गुस्सा आता है तो उसको मेरे पे सोफिया है गुस्सा होती थी कि एजाज तुम मर्द ही नहीं हो, तो आयुष से सोफिया जी मेरी शादी हो गई है, मेरा एक बेटा है, तो मैंने वो मर्द होने का खिताब जीत लिया है, मतलब समथिंग लाइक दैट यू से, यू कांट से सोफिया तेरी माँ तेरी बहन तेरा ये व्हाट इज हैप, नो, वो कट भी जाएगा और वो तुम अच्छे भी नहीं लगोगे तुम, यू नो लाइक। और सबसे बड़ी बात है बिग बॉस के घर में ये होता है, निजी जिंदगी में भी आदमी ये करता है, अगर झूठ बोलता है तो भूल जाता है यहाँ क्या बोलता है, फिर यहाँ पे कुछ बोल के वहाँ जाता है, वहाँ कुछ और बोलता है, फिर वहाँ, और ये बिग बॉस में दिखता है। तो इफ यू मोर रियल अबाउट योर सेल्फ, लेट पीपल सी, लेट इवन दिस इज योर चांस टू शो द वर्ल्ड एंड योर फैमिली, योर हेटर्स एंड योर लवर्स दिस इज व्हाट आई एम, टेक इट और लीव इट। ही इज एंटरटेनिंग, जैसे मैंने एंडी को वो दांतों की वरमाला, आप देखिए, मतलब हिंदुस्तानी भाव को मैं मिला भी हूं, जानता है मुझे, इस एंटरटेनिंग गाय, वो एंडी को मैंने बोला था, जब एंडी को सलमान भाई बोला एंडी को एक नाम दे, मैंने बोला दांतों की वरमाला, फिर वो दांत लेके ऐसे ऐसे एंडी घूमता था और मैं उसकी मजाक, उसने कल वो किया हिंदुस्तानी भाव ने उसको लेके, इज वेरी नाइस, मतलब ही इज एंटरटेनिंग। वो भाव को, भाव के फैन से भी मैं कह दूं, मेरे को उससे कोई जेलेसी नहीं है कोई, क्योंकि सी मैं जो भाव अभी कर रहा है वो मैं करके छोड़ दिया, तो मेरे को उससे कोई जेलेसी नहीं है। बट एक शो है, एक प्लेटफॉर्म है, अभी आप देखिए कि भाव को लोग बोल रहे हैं कि भाव बाहर गालियों के वीडियो बनाता है, लड़कियों को गंदी गंदी गालियां देता है, ये देता है वो, हाँ ठीक है उसने वो कर दिया, हो सकता बिग बॉस से आने के बाद भाव एक नया इंसान बन के आए, हो सकता भाव बाहर आने के बाद वो सारे वीडियो डिलीट कर दे अपने चैनल से, हो सकता भाव अंदर सॉरी भी कह दे लोगों से कि सॉरी यार मैंने, और सलमान भाई ये करवा सकते हैं। तो आप लोग भाव को एक चांस दीजिए एक नया इंसान बनने का, बिकॉज ये घर में उसके अंदर का एंटरटेनर बाहर आने वाला है। और मैं जो भाव को अभी पहले एक वीडियो में कल बोला कि भाव लड़कियों को चिल्ला रहा है, वो मैंने एक मेरे मतलब एक कंटेस्टेंट को मैं बोला, एक
एक एक एक दोस्त को बोला, एक हिंदुस्तानी, अगर वो भाव है तो मैं हिंदुस्तानी मैं भी हूँ और मैं भी उस घर में रह चुका हूँ और मैंने वहाँ पे खेला हुआ है। तो जिस ग्राउंड में आप खेलते हो तो आप, आपका हक बनता है बोलना, क्योंकि मैं खुद से तो बोल नहीं रहा हूँ, मुझे मीडिया आके पूछ रही है, तो मीडिया मुझसे क्यों पूछ रही है? मीडिया को पता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ बोलूँगा जो जो हो सकता है सबको समझ में आए और ये गेम समझ में आए, बिकॉज दिस इज अ गेम। हिंदुस्तानी भाव इज प्लेइंग वेरी नाइस, इंटरटेनिंग है, सब कुछ है, सब कुछ है उसके। तो लोग ये उससे कह रहे हैं यार यार वो डिजर्विंग नहीं है, ये नहीं, ये मत बोलो। वो डिजर्विंग है या नहीं है वो बिग बॉस का जो फिनाले होगा उसमें डिसाइड होगा। आपको क्या लगता है टॉप 3 में आप किसे देखते हो? देखो ये गेम आप जानती है, मुझे किसी ने देखा था टॉप 3 में? यहाँ तक कि घर के मेंबर्स भी यही कह रहे थे, मुझे हल्के में ले रहे थे, ओ यू आर गोइंग। कुशाल मेरा और गौर का जब नॉमिनेशन हुआ था तब लोग कह रहे थे कि कपल कैसे टूटेगा, जब एक लव गेम चल रहा है वो लव गेम कैसे टूटेगा, एजाज तुम घर जा रहे हो, हमारे घर पे ये दे देना, हमारे घर पे वो दे देना। हालांकि मैंने ले भी लिया एज ए ह्यूमन बींग, लेकिन मैंने जब मुझसे पूछा गया तो मैंने बोला मैं घर नहीं जा रहा हूं। फिर बोले कि तुम इतने ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हो सकते हो? मैंने बोला अगर इस घर में कोई आया है तो जीतने के लिए आया है, और अगर वो जीतने के लिए नहीं आया तो वो बेवकूफ है और वो पहले से ही लूजर है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसमें कुछ भी बदल सकता है, ये गेम है, ये गेम है, लास्ट 6 बॉल में भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज एक हरकत तुम्हारी हिंदुस्तान को खराब लगी नहीं। कि तुम्हारी क्या होता है दुनिया में, क्या होता है, ये बिग बॉस के घर में भी ऐसा है और दुनिया वाले भी ऐसे हैं। आप 12 चीजें किसी के लिए अच्छी करो, 12 बार किसी को हेल्प करो, 13वीं बार आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी या हेल्प नहीं करी, या आप थोड़े से, आप भी इंसान हो, आपसे थोड़ी गलती हो गई तो आपको सारे लोग जज करते हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप ऐसे हो, आप। तो ये बिग बॉस का घर भी ऐसा है, एक गलती इंसान से हुई नहीं कि वो गया, या तो फिर आप हर गलती को अपने पे ले लो, हाँ ठीक है मेरी गलती हो। हिंदुस्तान को ये भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे गुनाहों का तस्करा करते हैं लोग इस तरह, मेरे गुनाहों का तस्करा लोग करते हैं इस तरह जैसे अपने अमाल में वो फरिश्ते हो। तो आप किसी पे उंगली उठाओगे तो 3 उंगलियां आप पे आ रही है। हिंदुस्तानी भाव या सिद्धार्थ, मैं उसको भी जानता हूँ, सिद्धार्थ इज ऑल्सो माई फ्रेंड, उसने भी बहुत हार्डवर्क किया यार। वो भी भाई मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है जो बहुत नीचे से ऊपर आया, मैंने उसका स्ट्रगल देखा है। हिंदुस्तानी भाव, जैसे उसने कहा वो प्लेटें भी धोता था, और मैं जानता हूँ उसको, बॉम्बे का छोकरा हुई, उसने भी बहुत मेहनत की। देखो उसका एक वो तरीका था कि उसने जो हिंदुस्तान के खिलाफ जो बोल रहा था, लड़की हो या लड़का हो या कोई भी, उसको माँ बहन की गालियाँ देना, पर क्या होता है उसमें लॉजिक गलत हो जा रहा है। हिंदुस्तानी भाव है माँ बहन को गाली मत दे, अगर किसी ने उनकी माँ बहन ने हमारा क्या किया है, फिर तो वही हो गया ना, माँ बहन मतलब रिस्पेक्ट वुमन, यानी कि सबको रिस्पेक्ट करो। हमें अगर कुछ करना ही है तो हम बॉर्डर पे जाके लड़ सकते हैं, तो वीडियो बना के गाली देने से कुछ नहीं होता। अब तू सही काम कर रहा है हिंदुस्तानी भाव, अब जो तू कर रहा है ना बिग बॉस प्लेटफॉर्म पे एंटरटेन कर रहा है, ये है हिंदुस्तानी भाव, कि ये हिंदुस्तानी भाव लोगों को एंटरटेन कर रहा है। तेरे को पता है तेरे सबसे ज्यादा फैन पाकिस्तानी बने हुए, तूने जितनी गालियां उनको दी है उसके बावजूद दे आर लाइकिंग यू, सो यू आर इनसाइड, व्हेन यू कम आउट यू गोना रियलाइज दैट ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग। सऊदी में तेरे फैन बन रहे, तेरे फैन कहां बन रहे भाव? और कल जो मैं मीडिया में जो बोला वो मैंने उसका वो क्लिपिंग देखा जिसमें मुझे हिंदुस्तानी भाव को आई ऑल्सो लाइक, पर मेरे को उसको एक वो पर्सनल तरीके से गुस्सा आया कि यार ये क्या गलती कर रहा है, क्योंकि मैंने ये गेम खेला है। क्या होता है जैसे एक दिन पहले हिंदुस्तानी भाव तूने ये बोला था कि यार लड़कियों के साथ इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए, लड़कियों से देखो लड़कियों की उसके अंदर हो वो बात नहीं करना चाहिए, और वो तेरा प्रोमो भी चलाया बिग बॉस। देख बिग बॉस अलग गेम खेलता है, समझना है समझो, नहीं समझा मत समझो। सेम कल प्रोमो आया तू सहनाज से लड़ रहा था, ये ऐसा नहीं बोलने का वैसा, तो वो दोनों प्रोमो मैच हो रहे तो एक अलग पर्सनैलिटी निकली है, तो इससे तुझे गेम में प्रॉब्लम होगा। शो योर गुड साइड मैन, यू आर अ गुड मैन, आई नो यू आर अ गुड मैन, तेरी आंखों में दिखता है। एज अ व्यूअर आप 3 लोग किसे देखना चाहेंगे? एज अ व्यूअर अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अभी गेम है ना, एक्चुअली अभी सिर्फ 20 ओवर हुए हैं, 30 ओवर बाकी है,
50 ओवर का मैच होता है, आप समझिए, ये 2020 नहीं है, ये वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसमें कौन कैसा खेलता है, किसकी गेम कब बदलती है, कौन तुम्हें कब धोखा। मैं गौहर मेरी दोस्त थी, कामिया मेरी दोस्त थी, संग्राम सिंह मेरा दोस्त था, ये तीन मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, ये तीनों ने मुझे लास्ट में नॉमिनेट किया है, तीनों के तीनों ने। और मेरे को जब बिग बॉस ने बोला तो मैंने इनको नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि मैं देख रहा था कि जनता मुझे देख रही है, अगर मैं इन्हें नॉमिनेट करूंगा तो फिर मुझ में और इनमें फर्क क्या हो, इसका मतलब ये तो नहीं वो बुरे लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गौहर इज अ बैड पर्सन और संग्राम इज अ बैड पर्सन, बिकॉज अगर कुछ लोग होते अगर तुम्हें जीना है तो किसी को मारना होता है, और कुछ लोग होते जो मेरे जैसे होते कि हम मर जाएंगे और तुम्हें बचा लेंगे, तो दो हीरो होते हैं, शोले में जय भी था और वीरू भी था, वीरू ने मर के जय को छोटा बना दिया, अरे जय ने मर के वीरू को छोटा बना दिया, अगर बच्चन साहब मरते नहीं ऑडियंस के दिल में वो सिंपति नहीं आती, why people love me so much that they have seen that यार इसके साथ इतना गलत हो रहा था फिर भी ये दिल में नहीं रख रहा था, क्योंकि ऑडियंस देख रहा है, किसी को किसी की परवाह घर में करने की जरूरत नहीं है, किसी को दोस्ती क्या है क्या नहीं, किसी तुम्हें ऑडियंस की परवाह करनी है, ये फैमिली शो है, फैमिली देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, तुम क्या दिखाना चाहते हो, इसीलिए एंटरटेनमेंट फैक्टर अगर गया, हिंदुस्तानी भाव एंटरटेनमेंट फैक्टर को लेके आया, व्हाई पीपल आर लाइकिंग हिम, बिकॉज ही इज मेकिंग पीपल लाफ, सिंपल थिंग है, यू मेक पीपल लाफ, यू मेक देम वर्थ वॉचिंग यू, यू आर अ विनर। On that note, thank you so much, Ezaz. It was lovely talking to you. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much.